हेलो दोस्तों, मैं अलक्षित देवतिया जस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? थोड़ी हमारी वीडियो लेट हो गई थी, एक्चुअली मैं गांव में आया हुआ था, तो बट मुझे अब लगा कि गांव में ही वीडियो शूट कर लेनी चाहिए। आपको भी थोड़े अपने गाँव के नज़ारे दिखा देते हैं। तो आज मैं गाँव में हूँ और हम वीडियो शूट कर रहे हैं ट्राइसेप्स मसल इंजरी के ऊपर। उसके ऊपर हमारी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी कमेंट्स किया था लोगों ने, तो उसके ऊपर हमें आज वीडियो शूट करनी है। तो आज मैं आपको बताऊँगा ट्राइसेप्स मसल इंजरी के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या होता है, वो क्यों होता है और उसके ट्रीटमेंट क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी ट्राइसेप्स मसल इंजरी के बारे में। तो जो आपका ये आर्म्स का बैक साइड होता है, ये इंजरी होती है यहाँ पे, जो आपकी एल्बो का बिल्कुल जस्ट जॉइंट होता है। जो हमारी ट्राइसेप मसल होती हैं, वो तीन मसल होती हैं, लॉन्गर हेड होता है, मीडियल हेड होता है और लेटरल हेड होता है। तो इसमें क्या होता है, ये तीनों जो हेड होते हैं, ये हमारे ट्राइसेप्स के जो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल पॉइंट पे से टच होते हैं, जो आपकी बोन होती है वहाँ पे कनेक्ट होते हैं तीनों। जो आप हाथ को स्ट्रेच करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, जो फ्लेक्स करते हैं आप, मूवमेंट जितना भी होता है हाथ का, वो इसी जॉइंट की वजह से होता है और इन्हीं मसल की वजह से होता है। तो ये मसल यहाँ पे आके कनेक्ट होती हैं और जो हमारी इंजरी होती है वो भी यहीं पे होती है। तो दोस्तों जो हमारी ट्राइसेप्स इंजरी होती है, ट्राइसेप मसल इंजरी होती है, वो होती है हमारे एल्बो के पास। एल्बो के पास हमारा जो टेंडन होता है, जो हमारा एल्बो का जॉइंट होता है, उसके पास जो हमारी ट्राइसेप्स की मसल होती है, तीन मसल होती है जैसा कि आप जानते हैं, लॉन्गर हेड, मीडियल हेड और लेटरल हेड। तो ये तीनों हेड जो आते हैं, ये आके यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और जो आपकी बोन होती है, ये बोन और मसल में यहाँ पे कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे जब आपका लोड ज़्यादा पड़ता है तब जाके इंजरी होती है। इस मसल का और इस जॉइंट का काम ये होता है कि जब अपना आप हाथ खोलते हो, बंद करते हो, तो हमारे हाथ को स्ट्रेच करने के लिए ये मसल यूज़ होती है, ये जॉइंट यूज़ होता है। तो जब हम कभी, तो ये हमें समझ में आ गया कि ये इंजरी कहाँ पे होती है और अब जानते हैं ये इंजरी होती क्यों है, क्या कारण होते हैं इस इंजरी को होने के। क्योंकि हम लोग जैसे जिम में जाते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, जो ट्राइसेप्स की हम एक्सरसाइज करते हैं, कई बार उनमें गलती हो जाती है, थोड़ा ईगो लिफ्टिंग कर देते हैं, उस वजह से ये इंजरी ज़्यादा होती है। तो क्या कारण होता है, जैसे कि हम स्कल क्रशर करते हैं और उस पर हम हैवी वेट लेते हैं, बट हमारे फॉर्म अच्छी नहीं होती है, हम प्रेशर से जर्क लगा लगा के उसको करते हैं, तो जब यहाँ पे जर्क लगता है तो यहाँ पे टियर हो जाती है हमारी मसल। एक दो तरीके की इंजरी होती है, जो पहला होता है उसमें क्या होता है, हल्की सी टियर हो जाती है जो हल्का सा जर्क लगने से, और दूसरा क्या होता है, उसमें पूरा ब्रेक हो जाता है। तो मैक्सिमम जो इंजरी होती है जिम में वो ये होती है कि टियर हो जाना, उसमें हमारा पेन होता है जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तब उसके दौरान। तो होता क्या है, जब हम जर्क लगाते हैं तो यहाँ से टियर हो जाने के कारण, यहाँ पे जब भी हम कभी इसको स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पे चलाते वक्त हाथ को हमारा मसल पेन होता है, वो काफ़ी ख़राब होता है, उसकी वजह से कोई लिफ्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा कि ये मसल इंजरी होती क्या है और क्यों होती है। अब बात करते हैं इस जो इंजरी जो होती है इसको सही कैसे करना है, इसको क्योर कैसे करना है। अगर आपको इंजरी हो गई है तो क्या करें जिससे कि आपका ये हाथ इंजरी सही हो जाए। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी कि अगर इंजरी आपको अभी जल्दी में ही हुई है, अगर आपको अभी एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको पेन हो रहा है हल्का सा आपकी एल्बो में, तब आपको क्या करना है। अगर आपका ऐसे ही हुआ है कि अभी एक दो दिन के अंदर आपको इंजरी हुई है, तो आपको करना क्या है, आपको बर्फ़ की सिकाई करनी है, जो मतलब बर्फ़ होती है उसकी सिकाई करनी है यहाँ पे, मतलब मसल को कोल्डनेस पूरा फील कराना है, तो उससे आपका जल्दी से ये हील हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ये इंजरी हुई है तो आपको जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं जिससे इंजरी हुई है, वो एक्सरसाइज आप परफॉर्म ना करें, क्योंकि आपको उससे दोबारा वो इंजरी बढ़ जाएगी, हो सकता है कि आप कभी लिफ्ट ना भी कर पाएँ। तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको करने से ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका स्कल क्रशर हो गया, उसको करने से आपको कई बार ज़्यादा होती है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें अगर आपको इंजरी है। पुश डाउन जब आप करते हैं, ट्राइसेप पुश डाउन करते हैं, तो उसमें जर्क ना लगाएं। जब आप पूरा हाथ को खोलते हैं तो यहाँ पे झटका ना दें, वो झटका जो हम देते हैं उससे हमारी ज़्यादातर इंजरी होती है। तो आपको अच्छी फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करनी है, जब कर रहे हैं तो पूरा तो आपको ले जाना है पर आराम से, जर्क नहीं लगाना है। तो जर्क बहुत ख़तरनाक है हमारी ट्राइसेप्स के लिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इंजरी बहुत ख़राब है। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें इतना ही बताया कि इंजरी है क्या, कैसे सही करना है इसको, क्यों होती है ये इंजरी। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो अगर आपको इंजरी हो गई है तो वो एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें, अच्छे से आराम करें उस मसल ग्रुप को, इस वाले को, जॉइंट को थोड़ा आराम दें और अच्छी फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करें, ईगो लिफ्टिंग ना करें, जर्क से जब करते हैं तो इंजरी होती ही होती है। तो इन बातों का ध्यान रखें और सेफ रहें, और आशा करता हूँ आपको मेरा गांव अच्छा लगा होगा, मेरे खेत अच्छे लगे होंगे।
तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा ही लगी ये वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, और हाँ मुझे बताइएगा आपके इंजरी के एक्सपीरियंस के बारे में, अगर आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो ज़रूर बताइएगा, और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा दीजिए, उसके कोई पैसे नहीं लगते, काफ़ी अच्छी वीडियो आने वाली हैं, आप हमें रिक्वेस्ट कीजिए वीडियो को, आपको कुछ भी देखना है तो हम आपको ज़रूर उस वीडियो पर स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो में इतना ही, कीप सपोर्टिंग, सदा फिट रहो, जय हिंद।